हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ नंबर ऑफ टर्न एरिया एंड करंट थ्रू इट इज गिवन बाय एन ए एंड आई रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो क्वेश्चन में कहा है अगर नंबर ऑफ टर्न्स को एन से डिनोट करते हैं, एरिया कैपिटल ए एंड करंट स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, देन मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे ऑप्शंस है एन आई ए, बी ऑप्शन है एन स्केयर आई ए, सी ऑप्शन है एन आई ए स्केयर एंड डी ऑप्शन है एन आई अपॉन अंडर रूट ए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है मैग्नेटिक मोमेंट। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ए इज द एरिया एंड आई इज द करंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एन आई ए। तो ये जो क्वेश्चन था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एन आई ए। तो आइए अब ऑप्शन चेक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो ए ऑप्शन था एन आई ए, ये करेक्ट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।